उनसे क्या उम्मीद करोगे? और जिन्होंने न केवल महंगाई बढ़ाई है, बेरोजगारी बढ़ाई है, बल्कि 11 लाख पद नहीं भर पाए ये लोग सरकार के, बताओ 11 लाख पद खाली है कि नहीं नौजवानों? इसलिए मैं आप नौजवानों से कहना चाहता हूँ, आप समाजवादियों की सरकार बनाइए। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि सरकार के जितने भी पद खाली हैं, उन पदों को भर करके अपने नौजवानों को नौकरी देने का काम समाजवादी लोग करेंगे। ये जो गर्मी निकालने की बात कह रहे थे, अक्सर हम सुन रहे उनकी बातें, वो कह रहे गर्मी निकाल देंगे। हम उन्हें कहना चाहते हैं, समाजवादी सरकार बनेगी तो हम नौजवानों के लिए भर्ती निकालेंगे और पुलिस में भी नौकरी निकालेंगे। बताओ भर्ती बंद है कि नहीं है? हमारे नौजवान मेहनत करके, भाग करके, दौड़ करके, जो सुबह सुबह दौड़ लगाते हैं, वो तैयारी कर रहे थे भर्ती की, लेकिन इस सरकार ने 3 साल भर्ती नहीं की, हमारे नौजवान वर्दी नहीं पहन पाए हैं। इसलिए गर्मी निकालने वालों को हम कह के जा रहे हैं, समाजवादी सरकार बनेगी तो फौज में और पुलिस में नौकरी निकाल करके अपने नौजवानों को वर्दी पहनाने का काम करेंगे। न केवल 11 लाख फौज पुलिस, बल्कि BEdTET वाले जानते होंगे, BEdTET वाले, BEdTET वाले जानते होंगे कि समाजवादियों ने तय कर लिया है कि आपको समायोजित करने का काम समाजवादी सरकार में होगा। ये हमारे BPED वाले भी जानते होंगे कि इनकी मदद के लिए सुप्रीम कोर्ट तक मदद कर रहे थे, याद है कि नहीं याद है? इसलिए सरकार बनेगी तो इन BPED वालों की भी मदद करने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। BPED वालों को रोजगार सेवक, ये हमारे लगातार मांग कर रहे हैं कि इनकी भी समस्या का समाधान हो। अनुदेशक हैं, जहां जहां मिल रहे अनुदेशक, हमने उनसे कहा है रोजगार सेवक और अनुदेशकों का सम्मान करना